हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी वाली कढ़ी। देखिए, ये मैंने बेसन लिया है, इसको अच्छे से इसमें 2-4 चम्मच तक करीब डाल लेंगे इसमें पकौड़े के लिए, और 1 चम्मच इसमें डालेंगे जीरा, और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी। इसको पानी डाल के अच्छे से फेंट लेंगे, और हमने ये तेल भी रख दिया गरम होने, तेल रख दिया गरम हो रहा, तब तक हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे। देखिए, मैंने बेसन अच्छे से फेंट लिया है और हमारा तेल भी गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पकौड़े, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे इनको। जब तक हमारे पकौड़े सेक रहे हैं, तब तक इसमें ये मैंने दही लिया, 2 कटोरी दही है, इसको इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, मेरे पास वो नहीं है जिससे फेंटते हैं, तो मैं इसे रही जो गांव में होती है ना, उससे अच्छे से चला लेंगे ऐसे ऐसे। देखिए, पकौड़ी हमारी हो गई है गोल्डन ब्राउन, इनको निकाल लेते हैं, और ये जो बचा है बैटर उससे भी पकौड़ी बना लेते हैं। ये मैंने लिए तड़के का सामान, थोड़े से तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 3-4 काली मिर्च, और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, और साबुत धनिया और मेथी। और मैं इसमें मसाले मिलाने जा रही हूँ, इसके लिए मैं 2 टीस्पून हल्दी और लाल मिर्च और 2 टीस्पून वो धनिया में डाल लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। अब ये तेल हो गया गर्म, इसमें डाल देते हैं हमारा तड़का, और हम थोड़ा से ऐड करेंगे कड़ी पत्ते, और ये हमारा गरम मसाला। ये पकने तक थोड़ी देर पकाते हैं, तब ये ऐड करेंगे हम अपना बेसन। मसाला हमारा पक गया, अब इसमें ऐड कर देते हैं जो दही और वो बेसन जो मैंने घोल के रखा था, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आए, अगर चलाएंगे नहीं तो फट जाएगी कढ़ी, इसलिए चलानी पड़ेगी। देखिए, इस कढ़ी में हमारा अफान ये थोड़ी थोड़ी खोलने लगी है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, अपने हिसाब से जैसा वो वैसे डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से खोलने देंगे जब तक हमारी कढ़ी। देखिए, कढ़ी हमारी अच्छे से पक गई है, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी पकौड़ी। तेल हो गया मेरा गरम, इसमें डाल देते जीरा और ये 2 रेड मिर्ची और ये कड़ी पत्ते, और डाल देंगे इसमें प्याज। इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए, तड़का हमारा तैयार हो गया, इसमें थोड़ी सी हमने 1 चम्मच देगी मिर्च डाल दी है कलर आने के लिए, और ये लास्ट में डालते हैं हींग। अब इसको गैस को कर देते बंद, अब इसको अच्छे से देखिए हमारी कढ़ी तैयार है।